गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिनों पुणे में शरद पवार को भ्रष्टाचार का सरगना कहा था। शाह के इस बयान पर अब शरद पवार ने पलटवार किया है। शरद पवार ने कहा कि अमित शाह इस देश के गृह मंत्री हैं। मेरे बारे में उन्होंने कुछ बातें कही, उन्होंने मुझे देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं उनका सूबेदार कहा था। अजीब बात है, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। एनसीपी चीफ ने आगे कहा कि जब वो गुजरात में थे तो कानून का गलत इस्तेमाल करने के चलते सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तड़ीपार कर दिया था। अब जिस आदमी को सुप्रीम कोर्ट ने तड़ीपार किया था उसे आज देश की होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी दी गई है। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। शरद पवार ने ये बातें संभाजीनगर में एक कार्यक्रम में कही। पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शरद पवार पर बड़ा हमला बोला था। उन्होंने पवार को देश के भ्रष्ट लोगों का सरगना बताया था। शाह ने कहा था कि विपक्ष हम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है, लेकिन देश की राजनीति में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े सरगना शरद पवार है। अगर किसी राजनेता ने सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत बताया तो वह शरद पवार थे, और मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं है। वे हम पर क्या आरोप लगाएंगे, अब हम उन पर आरोप लगा रहे हैं। अमित शाह के इस बयान पर उनके भतीजे ने चुप्पी साधे रखी, लेकिन उनके गुट के नेताओं ने शाह के बयान पर आपत्ति जताई। पिंपरी चिंचवड से एनसीपी नेता विलास लांडे ने कहा कि शाह को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। शरद पवार साहब पिछले 60 वर्षों से राष्ट्रीय राजनीति में है और उन पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं है। बीजेपी को शरद पवार के बारे में ज्यादा ना बोलकर अपनी गलती सुधारनी चाहिए। वहीं अमित शाह के इस हमले का जवाब शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने दिया है। उन्होंने कहा है कि शरद पवार को भ्रष्टाचार का सरक न बताए जाने पर एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने मोदी सरकार पर बड़ा पलटवार किया है। सुले ने कहा कि जिस शख्स पर गृह मंत्री आज भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं उन्हें इसी मोदी सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। बीजेपी ने जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं उनमें से अधिकतर नेता आज बीजेपी में है।